भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे मुकाबले की सीरीज शुरू होने में महज मुट्ठी भर का समय बचा है। जहां टीम इंडिया की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले भी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में क्लीन स्वीप होकर आई है और उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फॉर्म में आ चुकी है और अब वो भारत पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हम आपको बता दें कि न केवल भारतीय स्क्वाड में कोरोना की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई है बल्कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ऋषभ पंत की चिंता सताई जा रही है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? चूंकि बात तो आप पर हम सभी जानते हैं कि 6 फरवरी से वनडे मुकाबले की सीरीज शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। इस सीरीज का स्केड्यूल वही है जो पहले रखा गया था, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ स्क्वाड में खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो कुछ युवा खिलाड़ियों को रोहित ने मौका दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऋषभ पंत को लेकर टीम इंडिया की चिंता क्यों बढ़ी हुई है और आखिर पंत ने कप्तान रोहित शर्मा को मुश्किल में क्यों डाल दिया है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं रोहित और पंत के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, पंत के बारे में जानने से पहले टीम इंडिया की कुछ मुश्किलें मैं आपको बता दूं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की परेशानी बढ़ा वाली है। पहली बात यह है कि वेस्टइंडीज की टीम शानदार फॉर्म में है, उसके खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और अब वो भारत को चेतावनी दे चुके हैं, भारत को उसकी सरजमी पर हराएंगे। वैसे तो ये काम इतना आसान था नहीं, लेकिन जब से भारत के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्य खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, पहले मैच से केएल राहुल बाहर हो चुके हैं और अब भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती है क्योंकि भारत के पास केवल और केवल युवा खिलाड़ियों की टीम है जहां अनुभव मात्र रोहित शर्मा और कहीं न कहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली के रूप में नजर आता है। चूंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या, जडेजा जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं तो अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बताएंगे, मुश्किल यहीं से शुरू होती है। लेकिन इस बीच ऋषभ पंत टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ा देते हैं, आइए जानते हैं ऋषभ पंत के बारे में। भारतीय टीम 6 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने जा रही है। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को लगातार क्रिकेट खेलने के कारण आराम दिया गया है। वहीं चुनी हुई टीम के खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप होकर वतन वापस आई है। इसके बाद टीम के खिलाड़ियों की काफी आलोचना हुई है, लेकिन ऋषभ पंत को लेकर बवाल इसीलिए है क्योंकि भारतीय टीम के नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्हें अपार टैलेंट भरा हुआ माना जाता है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने उन पर अपनी राय सबके सामने रखी है। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 13 पारियों के बाद एक शतक बनाया था। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उन्हें वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर से पहले नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन मौके को सही तरीके से भुना नहीं पाए। मिडल ऑर्डर में ऋषभ पंत के आड़े तिरछे शॉट आउट होने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान सुनील गावस्कर ने बातचीत के दौरान ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए उन पर बात की। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत के अंदर कितना हुनर है ये बात हम सभी जानते हैं, उनके ऊपर हम सभी अपनी राय बदलते रहते हैं जिसका कारण है वो एक मैच में अच्छी पारी खेलते हैं, दूसरे मैच में आड़े तिरछे शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं जिसको देखने वाला दंग रह जाता है। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ उनके साथ बैठकर उन्हें टैलेंट के विषय में समझाएंगे, तब वो क्रीज पर कुछ समय रुककर समय व्यतीत करेंगे, खेलेंगे तब सही होगा और तब जाकर रोहित की मुश्किलें कम होगी। दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को अपनी ओर से भी सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत को क्रीज पर समय व्यतीत करने की जरूरत है, जब उनकी आंखें टिक जाएंगी उन्हें समझ में आ जाएगा कि पिच कैसी है, जिसके बाद 10 गेंदों पर भले ही 0 रन हो लेकिन 4 गेंदों पर 16 रन वो बना लेंगे। ऐसे खिलाड़ी है और ये तभी हो सकता है जब ऋषभ पंत क्रीज पर समय व्यतीत करे, अगर ऐसा नहीं किया तो रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ी हुई है क्योंकि एक तो युवा खिलाड़ी है, पंत पर काफी कुछ दारमदार रहेगा और उसके बाद अगर पंत आड़े तिरछे शॉट खेलकर आउट होंगे तो फिर रोहित की चिंता तो बढ़ेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।